हेलो फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाव भाजी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सब्जियों को रफली चॉप किया है। आलू, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और ये मटर है, जिनको मैं बाद में यूज़ करूँगी, अभी बॉयलिंग में नहीं डालूंगी। नमक, हल्दी, एक गिलास पानी, हरी मिर्च, अदरक, इन सबको डाल के सबसे पहले हम सब्जियों को बॉयल करेंगे। अब इनको ढक्कन लगाकर प्रेशर कुक करेंगे। सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई हैं। मैंने इनको स्टीम बनने के बाद लो फ्लेम पर 20 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया। अब इनको मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लें। तड़के के लिए तेल गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें जीरा डाल दें, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर प्यूरी, नमक, मिर्च, सौंठ पाउडर, हींग, चाट मसाला और पाव भाजी मसाला। तड़का बहुत अच्छे से पक गया। अब इसमें हम बॉयल की हुई सब्जियां, बॉयल के हुए मटर, लेमन जूस, धनिया पत्ती, इन सबको डालेंगे। भाजी में पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार मिलाएं। जब तक हमारी भाजी पक रही है, तब तक हम अपने पाव भी सेक लेते हैं। एक पाव को मैंने दो पार्ट्स कर दिए, अब मैं इनको बटर के साथ सेकूंगी। भाजी बहुत अच्छे से पक गई है। मैंने इसको भाजियां डालने के बाद भी इसको लो फ्लेम पर 15-20 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया। अब इसमें डालें बटर और फिर इसको अब हम पाव के साथ सर्व करेंगे। पाव भी तैयार है, भाजी भी तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। मम्मी पापा की रसोई की शानदार पाव भाजी बनकर तैयार है।